हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो कि है कि सेक्सुअल ऑफेंसेस के जो विक्टिम होते हैं उनकी आइडेंटिटी रिवील की जा सकती है या नहीं। सो दिस इज़ द लेटेस्ट जजमेंट जो कि बीरबल कौर निषाद वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ की है। दिस वॉज डिसाइडेड ऑन 13th of December 2019। कॉरम क्या था? जस्टिस अशोक भूषण, विनी शरण एंड एम आर शाह। सो इस केस को समझने से पहले इसमें क्या हेल्ड किया था कोर्ट ने, सो विल सी द लॉ इसके रिगार्डिंग क्या क्या कहाँ कहाँ पे हमें लॉ दिए हुए हैं कि आइडेंटिटी रिवील नहीं की जा सकती है जो ऐसे विक्टिम्स होते हैं। सो जो 228A IPC का सेक्शन है वो क्या कहता है कि अगर कोई भी ऐसी आइडेंटिटी जो विक्टिम है सेक्सुअल ऑफेंसेस का, अगर उनकी कोई आइडेंटिटी प्रिंट करता है, पब्लिश करता है नेम, ठीक है, उनकी आइडेंटिटी रिवील करता है कौन से ऑफेंसेस के अंडर, 376, 76A, B, C और D ऑफ IPC, सो उसके लिए पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट प्रिस्क्राइब की गई है जो कि 2 साल की है एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। सो दिस इज प्रोवाइडेड इन IPC। और दूसरा लॉ कौन सा है? पॉस्को एक्ट में भी हमें सेम यही चीज़ प्रोवाइड की गई है जो कि है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट, जो स्पेशल चिल्ड्रन के लिए है। उसका सेक्शन 23 भी हमें यही कहता है कि कोई भी पर्सन रिपोर्ट नहीं कर सकता और कमेंट नहीं प्रेजेंट कर सकता फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ मीडिया, ठीक है, और कोई भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, मीडिया कोई डिस्क्लोज नहीं करेगा ऐसे चाइल्ड की आइडेंटिटी इंक्लूडिंग नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ, फैमिली डिटेल, स्कूल, नेबरहुड, ठीक है, कोई नहीं करेगा। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके लिए भी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है, शेल बी लाइबल टू बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच शेल नॉट बी लेस देन 6 मंथ्स बट विच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद फाइन और विद बोथ। सो दो तरह के हम दो जगह पे हमें लॉ प्रोवाइड किए गए हैं, एक IPC में, एक प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट में। सो अब इन दोनों में ये चीज़ नहीं प्रोवाइड की हुई कि ये ऐसी आप जो आइडेंटिटी है विक्टिम की आप किसी भी प्रोसीडिंग में कोर्ट की कोई जजमेंट होती है आप उसमें रिवील नहीं कर सकते हो। इन दोनों में अगर हम दोनों को देखें, ठीक है, दोनों जो हमारे लॉ हैं किसी में भी ये नहीं लिखा हुआ है कि ऐसी आइडेंटिटी आप जजमेंट में भी रिवील नहीं कर सकते हो। सो इसको लेके सबसे पहले ये केस आया, दैट इज़ भूपिंदर शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का, जो कि डिसाइड हुआ था 16 अक्टूबर 2003 में। इसमें कोर्ट ने क्या कहा कि सेक्शन 228A ऑफ IPC मेक्स डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस पनिशेबल बनाता है। सर्टेन ऑफेंसेस मतलब हमने देखा 376A, B, C, D में अगर कोई भी ऐसी आइडेंटिटी पब्लिश करता है या कुछ भी करता है उसके लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है। सो आगे कोर्ट ने क्या कहा, ट्रू इट इज़ द रिस्ट्रिक्शन डज नॉट रिलेट टू द प्रिंटिंग और पब्लिकेशन ऑफ जजमेंट बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और ये भी सच है कि जो ऐसी रिस्ट्रिक्शन है ये, ठीक है, नहीं इंक्लूड करती है रिलेटिंग टू द कि ऐसी रिस्ट्रिक्शन व प्रिंटिंग और पब्लिकेशन ऑफ जजमेंट में भी रिलीव नहीं की जाएगी अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। बट कोर्ट ने आगे क्या हेल्ड किया, बट कीपिंग इट व्यू द सोशल ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिवेंटिंग सोशल विक्टिमाइजेशन और ऑब्स्ट्रेजम ऑफ द विक्टिम ऑफ सोशल ऑफेंस फॉर विच सेक्शन 228A हैज़ बीन इनेक्टेड। 228A IPC का क्यों बनाया गया है कि जो ऐसे विक्टिम्स होते हैं उनको सोसाइटल विक्टिम सोसाइटी में उनको, ठीक है, स्टिग्मा ना उनको झेलना पड़े, वो सोसाइटी के विक्टिम ना हो, इसलिए ये सेक्शन बनाया गया है। इसलिए ये इट वुड बी अप्रोप्रिएट दैट इन द जजमेंट्स बीट हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट। इसलिए कोर्ट ने कहा कि इसलिए ये अप्रोप्रिएट होगा चाहे वो हाई कोर्ट की जजमेंट है चाहे वो लोअर कोर्ट की जजमेंट है, जो नेम है वो विक्टिम का, दैट शुड नॉट बी इंडिकेटेड, वी हैव चूजन टू डिस्क्राइब हर एज अ विक्टिम इन द जजमेंट। ठीक है, कि उसको विक्टिम नहीं, एज ए हर लिखा जाएगा, ठीक है, ना कि उसका नाम लिखा जाएगा वहाँ पे, वो विक्टिम लिखेंगे, ठीक है, जजमेंट में, ना कि उसका, क्योंकि जो सेक्शन 228A IPC है वो बनाया ही इसीलिए गया है कि जो ऐसे विक्टिम्स होते हैं उनको सोसाइटल विक्टिमाइजेशन का ना उनको देखना पड़े। सो दिस वॉज अ जजमेंट इन विच, ठीक है, कोर्ट ने एक्सटेंड किया था जो 228A जजमेंट है उसका मीनिंग। अब हम आते हैं, ठीक है, उसके बाद एक कथुआ रेप केस हुआ था, गैंग रेप केस 2018 में। सो दिल्ली हाई कोर्ट ने इम्पोज किया था फाइन ऑफ 10 लाख रुपीज सारे मीडिया हाउसेस पे जिन्होंने की जो विक्टिम थी उसकी आइडेंटिटी, जो 8 साल की लड़की थी कथुआ गैंग रेप का मर्डर विक्टिम, उसकी आइडेंटिटी रिवील कर दी थी। इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने फाइन इम्पोज कर दिया था जितने भी मीडिया हाउसेस थे उन पे 10 लाख रुपीज का। सो क्योंकि आइडेंटिटी आप नहीं रिवील कर सकते हो जो कि हमें पॉस्को एक्ट कहता है।
अब हम आते हैं इस जजमेंट पे जो कि हमने अभी देखी, बिरबल वर्सेस द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में। इस केस में कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द नेम ऑफ द विक्टिम इन सेक्शुअल ऑफेंसेस शैल नॉट बी मेंशन इन एनी प्रोसीडिंग, सबॉर्डिनेट कोर्ट शैल बी केयरफुल। ठीक है, कि जो नेम है विक्टिम का सेक्शुअल ऑफेंसेस के, वो किसी भी प्रोसीडिंग में नहीं आप शो कर सकते हो। जो सब जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको इस चीज़ के रिगार्डिंग केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रिमिनल अपील थी। जो लोअर कोर्ट थी उसने अपनी जजमेंट में, ठीक है, जो विक्टिम थे उसका नाम लिख रखा था, इसलिए कोर्ट्स ने बोला कि सबॉर्डिनेट कोर्ट शैल बी मोर केयरफुल रिगार्डिंग दिस। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट। ये लॉ आपको पता होना चाहिए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर जुडिशरी, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग इसके। ठीक है, क्योंकि ये रेप केसेस एंड ऑल, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंडिया में होते हैं, तो उस हिसाब से, ठीक है, आपको ये जजमेंट्स पता होनी चाहिए अगर इसके रिगार्डिंग, विक्टिम ऑफ सेक्शुअल ऑफेंसेस के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी, ठीक है, लिखने के लिए आ जाता है, देन मेंशन दिस जजमेंट। सो दिस विल आपकी हेल्प करेगी ये अच्छे मार्क्स लेने में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। नाउ वन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज़ अन अकेडमी जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है, जो कि 18th of July को है। एक दिन रह गया है, कल का परसों के है। मैंने पहले भी आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियोस के लिए प्रिपेयर किया था। ये 11 AM to 12 AM है, वन, ठीक है, एक आर का ये टेस्ट है। इसमें 50 questions होंगे एंड 60 minutes विल बी गिवन एंड देर आर वेरी एक्साइटिंग प्राइजेस अप टू ₹40 lakhs एंड आपको अन अकेडमी स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करेगा टॉप रैंक को। ठीक है, और जो 21 to 200 रैंक्स के बीच में आएंगे उनको 25% अन अकेडमी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगा एंड देर आर मेनी एक्साइटिंग प्राइजेस इंक्लूडिंग एप्पल मैकबुक, iPhone 11, एप्पल एयरपोर्ट्स एंड मैनी मोर आर देयर। सो अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, अभी लॉ कर रहे हैं, या फिर आप जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, देन गो फॉर दिस टेस्ट, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। एंड अन अकेडमिक पे एक मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, जो कि आपके कोर सब्जेक्ट्स पे है। ये डेली आपकी 9 to 9:30 पे होती है एंड देयर इज अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ दिस टेस्ट एवरी सैटरडे एंड संडे। इसको आप फ्री में अनलॉक कर सकते हो, इस टेस्ट सीरीज को, बस एक कोर फिल करना है, दैट इज वीबी लॉ। ठीक है, एंड दिस इज़ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अगर अन अकेडमी का आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, दीज आर द प्लान्स, यू कैन चूज एनी प्लान फ्रॉम दैम। ठीक है, आपको जो प्लान कन्वीनियंट लगता है अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। अगर आपको इनमें से कोई भी प्लान लेना है, जुडिशरी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, देन गो फॉर दिस प्लान। अगर आप कोई भी प्लान लेना है, देन यूज़ दिस कोड विशी लाइफ, या फिर चैनल का नेम कैप्स लॉक में डाल लेना वीवी लॉक, यू विल गेट 10% ऑफ आपको मिल जाएगा, चाहे वो आपका कोई भी प्लान है इनमें से। इवन यू कैन पे इन द इंस्टॉलमेंट्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। अगर आप लोगों ने UGST पे अभी तक एनरोल नहीं करवाया, जस्ट एनरोल करवा लो, फ्री में एनरोलमेंट हो जाएगी इस कोड से, आप फ्री में एनरोलमेंट उसमें करवा सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।